नमस्कार दोस्तों, मैथिली ब्रेक द वॉइस चैनल में आप सभी का स्वागत है। आप लोग कैसे हैं? आशा करती हूँ कि आप लोग भी ठीक होंगे। दोस्तों मैं फिर यहाँ से लखनऊ से घर पर आई। हमारी तबीयत बहुत खराब हो गई थी, बुखार भी होने लगा था, मैं बोल भी नहीं पा रही थी। अब इधर तो थोड़ा थोड़ा बोल पा रही हूँ, इसलिए वीडियो नहीं बना पा रही थी क्योंकि बोल नहीं पा रही थी। मेरा भी बैठ गया था, बोलने में दिक्कत होती थी, बोलने लगती हूँ तो दर्द करने लगता है, छाले पड़े हैं, इसलिए मैं वीडियो नहीं बना पा रही थी। तो आज सोचा थोड़ा सा मना देते हैं, आपको दिखा देते हैं। यहाँ पे देखिए, हमारे यहाँ बोए थे बच्चे, नहीं देखे, पकड़ी बोया हुआ था, ऊपर चढ़ गया था, क्योंकि पूरा चूहा काट दिए हैं, सूखने लगा है, झील भी बढ़ती है और लगती थी सब चूहे खा जाते थे, एक भी नहीं मिली। और एक देखिए रखे हैं, कैसे किस तरह से बचा के रखे हैं, कितना हिफाजत से आप सबको दिखाते हैं। ये देख लीजिए कितना मेहनत किए हैं, कितना ऐसे जगह में रखे हुए हैं, आज आप सबको हम दिखा देते हैं। क्योंकि एक पक गई है ककड़ी, ये देखिए ऐसे कितना अच्छा से ढक रखे हैं, बांध के रखे हुए हैं, तब जाके ये बचा हुआ है। ये देखिए पूरी तरह से पक चुकी है, ये हम तोड़ेंगे, उसकी खुशबू बहुत अच्छी आ रही है, नहीं तोड़ेंगे तो टूट के गिर पड़ेगी, फट जाएगी। चाकू लाते हैं, इसे काटेंगे। देखिए दोस्तों, ये हर से बांध के रखा था कपड़ा से, बची हुई एक ही, सिर्फ एक ही बची हुई, बाकी सब चूहे खा गए, ये पक गई है, इसे हम काट के रख देती हूँ। वैसे पूरा नहीं समझेगा, हमारी दीदी है पकड़ने के लिए। ये देखिए कितनी बड़ी ककड़ी है, बहुत ही लंबी है, मोटी भी है, जमीन पर रहा होता तो और भी मोटा होता। इसकी खुशबू बहुत अच्छी आ रही है दोस्तों, बहुत अच्छे से माख रहा है। अब इसे हम रख देंगे तो फूट जाएगा। अभी देख सकते हैं कड़ी हमने कल तोड़ कर रखा हुआ, देखिए फट गई पूरा पक के, देख सकते हैं कितना अच्छा से पका हुआ है ये, अब फटा हुआ है, तो हम निकाल देती हूँ। देखिए बहुत ही अच्छा से पका हुआ है, इसे हम बीच निकाल देती हूँ। इसे हम इस तरह से टुकड़े में काट देती हूँ, खाने में आसानी होगा, इस तरह से काट के हम रख लेती हूँ। बीज को हमने अलग कर दिया है, यहाँ हमने टुकड़े टुकड़े में काट दिए हैं। आप इसे ऐसे भी खा सकते हैं, आप इसका कुछ बहुत सारी रेसिपी बनाई जाती है, आप रेसिपी बना कर खा सकते हैं। तो हमारे यहाँ एक खेत ऐसे भी फूटा हुआ है, बच्चे लोग ऐसे ही खाएंगे। तो यहाँ पर हम लिए हैं चीनी, चीनी गुड़ के साथ खाएंगे, काफ़ी अच्छा लगेगा। इस तरह चीनी इस तरह लगा देते हैं तो खाने में काफ़ी टेस्टी होता है, इस तरह खाते हैं लगा कर। मैं तो नहीं खा पाऊँगी कि मुझे अभी नहीं खा पा रही हूँ, मैं खाना भी नहीं खा पा रही हूँ, बस हलवा खाती हूँ, दाल का जूस पीती हूँ, इसलिए मैं नहीं खा पाऊँगी इसे। ऐसे चीनी में लगा देती हूँ, बच्चे लोग ऐसे ही खाएंगे। किसी तरह से चीनी लगा कर खाया जाता है दोस्तों, ये ककड़ी काफ़ी टेस्टी होता है। तो देख सकते हैं कितना अच्छा से पका हुआ है ककड़ी हमारे, बहुत ही सुंदर, बहुत मीठा है ये, वो कितना टेस्टी है हमारा ककड़ी फूटा हुआ है। तो हमने सोचा इसका वीडियो बना कर आपके साथ शेयर कर दें। अभी हमारी तबीयत पूरी तरह से सही नहीं हुई है, मैं ज़्यादा बोल भी नहीं पाती हूँ, आज इस ककड़ी पका हुआ था, हमने सोचा कि वीडियो बना के आप सबको दिखा देते हैं। हमारी तबीयत ठीक हो जाएगी तो हम फिर से वीडियो बनाना शुरू करेंगे। अभी ज़्यादा बोल नहीं पा रहे, बोलने में मैं दिक्कत होती है, हमारा दर्द करने लगता है, अंदर जो छाले पड़े हुए हैं दिक्कत होती है। दोस्तों आज का हमारा वीडियो आपको कैसा लगा, वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई वीडियो के साथ, तब तक जय बाय बाय।